फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके 6.2 ना पा गया गति, नेपाल रहा केंद्र। तस्वीर आप देख सकते हैं कि हम पूर्वी दिल्ली के खुरेजी खास इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर अर्थक्वेक से जो जितने भी घर के अंदर लोग थे वो तमाम नीचे आ गए। हम बता दें कि 2:51 पर 6.2 की स्पीड पर ये भूकंप आया है। इसका जो केंद्र बिंदु है वह नेपाल बताया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, विभिन्न इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना तेज था कि जो बोतल थी वह भी हिल गई और जो पंखे बंद पड़े थे वह भी तेजी से हिल गए। वहीं क्या कुछ जनता कह रही है सुने बाइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मोहम्मद सुहेल, भूकंप के झटके इतनी तेजी से आए, क्या महसूस? मतलब मैं पानी पी रहा था, अभी फिल्टर का पानी मैंने देखा बहुत तेज तेज हिल रहा था, तो मुझे लगा कि भूकंप आ रहा है, तो मैंने पानी भी नहीं पिया और सब घर वालों को लेके बाहर आ गया। और ये मतलब जहाँ पे मैं बाहर आया मैंने देखा सारे लोग ही बाहर खड़े हुए थे। आज दिल्ली प्रीत विहार में बैठा हूँ मैं, अपना ऑफिस में काम कर रहा था, तो टाइम होगा 2:50 के आसपास, तो जैसे ही मेरी सीट हिलनी शुरू हुई तो मेरे पास सामने एक बोतल भी रखी थी, वो भी बड़ी तेज़ी से हिलना शुरू हुआ। तो बहुत तेज़ी से दिल्ली में भूकंप आया आज, तो इधर तो सब ठीक ठाक है, कोई ऐसे जान माल का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आज का भूकंप बड़ा डरावना था।